हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेन चैप्टर नेम इज़ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर थ्री फोर एंड फाइव ध्यान से देखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है लास्ट टू थ्री इयर्स की मैं बात करूं तो यहां से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है आना कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री एफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर This, this this. पॉलिनोमियल हमें गिवेन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दीज आर द जीरोज दीज आर द जीरोज जीरोज थ्री दीरोन है क्या क्या है ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी थ्री जीरोज आपको गिवेन है पॉलिनोमियल गिवेन है थ्री जीरोज गिवेन है क्वेश्चन वॉन्ट टू नो वॉट फाइंड ए एंड बी एंड बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें गिव इन पॉलिनोमियल राइट डाउन कर लेंगे गिवन पॉलिनोमियल को राइट डाउन करने के बाद में हम उसको कंपेयर करेंगे बाई दिस पॉलिनोमियल यहाँ पे हमने जो पॉलिनोमियल कम्पेरिजन के लिए लिए वो आपको दिखने में नहीं लग रही होगी क्योंकि उसमें पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस टी यूज किया है बेटा ये हमने पी क्यू आर टी इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि आपकी जो जीरोज गिवन है वो ऑलरेडी ए और बी की फॉर्म में है जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हम ज्यादातर उसे लिखते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ये और भी क्वेश्चन में ही आ रहे हैं तो हमें कंफ्यूजन होगा कि हमारा ए ये कौन सा है और जो कंपैरिजन करेंगे वो कौन सा है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इस स्टैंडर्ड इक्वेशन जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें ए बी सी डी की जगह पी क्यू आर टी यूज किया आगे इन द सेम प्रोसेस कंपेयर करेंगे कंपेयर करते समय आपको मैंने बताया है यहाँ पर यदि कोई नंबर नहीं है तो क्या नंबर है वन तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी वन Q वैल्यू माइनस थ्री आर वैल्यू यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो क्या है वन R की वैल्यू वन और T वैल्यू भी वन तो सबसे पहले हमें थ्री जीरोज गि है पॉलीनोमियल गे है पॉलीनोमियल को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से पी क्यू आर और टी की वैल्यू निकालेंगे देन नेक्स्ट स्टेप सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरो होते हैं यदि हमारी क्यूबिक पॉलिनामियल है तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी उन तीनों जीरोज को यदि हम ऐड कर दें देखिए वही किया है इक्वल टू माइनस माइनस बी अपॉन ए होता है लेकिन यहाँ बी नहीं है यहाँ क्यू अपॉन पी है तो उसको आप अकॉर्डिंगली रिप्लेस कर लेंगे देन हमने सम ऑफ जीरो जो आपको गिवन है यहाँ से ये यह यहाँ रखा देन ए को यहाँ रखा देन ए प्लस बी ये जीरो आपके क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू माइनस क्यू माइनस बार एज एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वैल्यू कितनी है माइनस थ्री अपॉन पी का वैल्यू कितना है वन वो वैल्यूज़ रखा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री अपॉन वन दैट मीन्स थ्री इधर बात करते हैं ये बी का साइन पॉजिटिव है ये बी नेगेटिव है बी से बी कैंसिल यदि अपोजिट साइन होते हैं और नंबर्स और वेरिएबल सेम होते हैं तो वो कैंसिल हो सकते हैं जैसे बी और बी कैंसिल हो जाएगा देन आपके पास बचा ए प्लस ए प्लस ए दैट मीन्स थ्री ए इक्वल में क्या है थ्री ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला थ्री डिवाइड में आ जाएगा थ्री अपॉन थ्री दैट मीन्स वन और यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी देन नेक्स्ट बात करते हैं इसका बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देन हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोजी एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस डी अपॉन ए याद कीजिए यदि ए बी सी डी से हम कंपेयर करते हैं तो माइनस डी अपॉन ए लेकिन यहां होगा माइनस टी अपॉन पी आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन को एक रफ पेज पर साइड में लिखकर देख सकते हैं क्या जो सर ने पहले क्यूबिक के लिए बताई थी उसमें पी क्यू आर और टी को रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पी क्यू आर टी यूज किया है तो एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस तो आता ही है यहाँ पे टी की वैल्यू वन अपॉन वन दैट मीन्स माइनस वन अपॉन वन को हम माइनस वन भी लिख सकते हैं यहाँ हमने ए माइनस बी ए और ए प्लस बी जो हमें गिवन थे ये वैल्यूज हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने यूज किए हैं हमने ए की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी वन क्योंकि हम ऑलरेडी a की वैल्यू क्वेश्चन में निकाल चुके हैं पीछे और ये भी हमारा ए का वैल्यू यहाँ पे भी वन और यहाँ पे भी ए का वैल्यू हमने वन रख दिया इक्वल टू माइनस वन ए की वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास जो स्टेटमेंट आया है वो ये आ गया है इक्वल टू माइनस वन अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई का वन है इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं लेकिन आपके पास जो इसके अलावा जो दो और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है वन माइनस बी वन प्लस बी दो ब्रैकेट हैं दोनों सेम है अपोजिट साइन है तो याद आ रहा हो आपको ए प्लस बी a minus b equal to what a square minus b square ये आइडेंटिटी बनती है ना तो वही बनाइए तो वन का स्क्वायर माइनस b square equal to minus one, तो one का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन तो वन का स्क्वायर वन होगा देन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन देन ये जो हमारा वन है इसका कोई साइन नहीं है तो क्या होगा पॉजिटिव और इसको यदि हम इधर मूव कराएंगे किधर राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस वन माइनस वन ऑलरेडी ये यहाँ पे पहले से ही है माइनस वन इधर से आएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू माइनस वन और माइनस वन हो जाएगा माइनस टू इधर क्या बचेगा आपका सेम माइनस बी स्क्वायर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया है माइनस से माइनस कैंसिल होगा देन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा टू और यदि हम बी से स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या लगाना होगा अपोजिट साइड में यानी टू की तरफ स्क्वायर रूट और बी का स्क्वायर है स्क्वायर दैट मीन्स इक्वेशन है ये और क्वाड्रेटिक है तो वैल्यूज भी कितनी होंगी टू देखिए जितनी पावर होती है उतनी वैल्यूज होती हैं तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा प्लस और माइनस क्योंकि बी की भी वैल्यू कितनी होंगी टू वैल्यूज निकलेंगी एक पॉजिटिव रूट टू एक नेगेटिव रूट टू तो यहाँ से हमारे पास इस तरह ए और बी की वैल्यूज आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है यदि आप टेन ईयर उठाकर देखेंगे लास्ट टू थ्री फाइव ईयर के तो बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ध्यान से देखिए इफ़ टू ज़ीरोज़ इफ टू जीरोज़ क्वेश्चन नंबर फोर इफ़ टू जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दिस ये पॉलिनोमियल है आपका पूरा आर दिस देन फाइंड द अदर जीरोज देखिए कि पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है फोर यहां तक पोलिनोमियल हो गया आपका थर्टी फाइव तक आर दिस ये जीरोज गि है इसमें भी दो जीरोज हैं आपके पास एक बार आप पॉजिटिव साइन यूज कीजिए एक बार नेगेटिव तो आपको दो जीरोज हैं ये एक बार हमने एक्स की वैल्यू गिवेन क्या है हमें एक्स इक्वल टू एक बार पॉजिटिव हमने लिया है और एक बार नेगेटिव दीज आर द का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स गिवेन है हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स गिवेन है अब हमने क्या किया है कि इन वैल्यूज को इधर से इधर मूव कर लेते हैं और जब मूव करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे बेटा चेंज हो जाएंगे और साइन चेंज होंगे तो टू का साइन माइनस हो जाएगा और रूट थ्री का भी माइनस हो जाएगा और ये एक पूरा ब्रैकेट बन जाएगा सिमिलर वे में हमने इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया है शिफ्ट करने के बाद में हमारी ये कंडीशन आ गई है अब हम इनको बोलेंगे दीज आर द फैक्टर्स अब ये क्या बन जाएंगे आपके फैक्टर्स और एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के साथ क्या किया है मल्टीप्लाई यदि हम एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो इज ऑल्सो अ फैक्टर तब भी वो फैक्टर ही रहेगा तो वही हम यहां यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई किए है वन बाई वन हमने मल्टीप्लाई किए कैसे किए इस एक्स को पकड़िए आप यहां से इस एक्स की इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए फिर इस एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए इस एक्स की फिर रूट थ्री और विद साइन मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ये यह मिलेगा यहां से यहां तक ये आपको ये पार्ट मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स ये आप एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे विद साइन देन इस माइनस टू को पकड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा देन माइनस रूट थ्री को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा तो वन बाय वन हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा जिसमें आपके नाइन टर्म होंगी क्योंकि थ्री इसमें थ्री इसमें थ्री थ्री जाओ नाइन टर्म्स आ जाएंगी अब क्या है कि इसमें कुछ नंबर्स आपके सेम होंगे बट उनके साइन कैसे हैं अपोजिट हैं तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं जैसे रूट थ्री एक्स ये पॉजिटिव है और ये देखिए रूट थ्री एक्स नेगेटिव है कट कर देंगे ये आपका है माइनस का टू रूट थ्री और ये पॉजिटिव टू रूट थ्री तो कैंसिल हो गया देन रिमेनिंग एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब देखिए ये माइनस टू एक्स और ये भी माइनस टू एक्स तो आ जाएगा आपका माइनस का फोर एक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको नेक्स्ट आगे देखिए आपका और क्या बचा है प्लस फोर और साथ में माइनस थ्री और प्लस फोर माइनस थ्री को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका प्लस वन तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर यही लिखा है यहाँ पे इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल कौन सी पोलिनोम ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर है जो ये पोलिनोमियल गिवन है अब हमारे पास एक नया फैक्टर आ गया है ये भी हमारा एक फैक्टर होगा देन यदि ये फैक्टर है इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ गिविल पॉलिनोमियल दिस यदि फैक्टर है तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और डिवाइड के बाद रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो तो देख लेते हैं क्या करेंगे आगे देन डिवाइड हमारे पास आएगा डिवाइड हम करेंगे डिवाइड करते समय मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट ऑफ़ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑफ डिवाइजर तो वही हम करेंगे ये आपकी पॉलिनोमियल हो गई यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट नंबर ये आपका जो हमने अभी फैक्टर निकाला था दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके उसको क्या किया फिर हमने एक्स पावर फोर को डिवाइडेड बाय एक्स पावर टू मैंने कहा फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर दैट मीन्स एक्स पावर फोर डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर दैट स्क्वायर तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया आंसर आया एक्स स्क्वायर तो आपका यहाँ क्वेश्चन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे अब इस एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई हो गया आएगा एक्स पावर फोर फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस फोर एक्स से हो गया आएगा माइनस फोर एक्स पावर थ्री फिर इसका मल्टीप्लाई वन से होगा आएगा वन एक्स स्क्वायर फिर हम क्या करते हैं साइन चेंज देखिए नीचे किए हैं क्या साइन हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ये क्या हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा नेगेटिव तो साइन चेंज करना ना भूलें और जो साइन चेंज किए हैं आपने वो ही एप्लीकेबल होंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो ध्यान से देखिए ये दोनों हमेशा कैंसिल होंगे फर्स्ट नंबर डिवाइड के केस में हमेशा कैंसिल होता है सेकेंड को देख लेते हैं माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब तो आएगा माइनस का टू एक्स क्यूब ये माइनस का ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर और ये माइनस का वन एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा आपका माइनस का ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर बाकी ये दोनों नंबर आपके सेम रहेंगे फिर अगेन डिवाइड हम करेंगे तो आपका क्या है फर्स्ट नंबर इज माइनस टू एक्स पावर थ्री ये लिख लिया डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर यानी एक्स स्क्वायर ये, ये लिख लिया क्या आंसर आया आपका माइनस टू एक्स तो माइनस टू एक्स आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में फिर इस माइनस टू एक्स को वन बाई वन इन थ्री नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह फिर साइन चेंज करेंगे नीचे अब साइन चेंज भी हो गए उसके बाद फर्स्ट नंबर हमेशा क्या हो जाता है मैंने बताया फर्स्ट नंबर हमेशा डिवाइड में कट अब आया माइनस का ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर और माइनस का एट तो हो जाएगा माइनस का थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर ये आपका प्लस वन थर्टी एट एक्स और ये प्लस टू एक्स हो जाएगा आपका प्लस का वन फोर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव एज इट इज़ रहेगा फिर अगेन फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर क्या है अब आपके पास माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर वो हमने यहाँ लिख लिया डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर क्या है एक्स स्क्वायर क्या आया आपका माइनस थर्टी फाइव डिवाइड किया तो माइनस थर्टी फाइव आया माइनस थर्टी फाइव को यहाँ लिखा अगेन सेम प्रोसेस क्या करना है हमें माइनस थर्टी फाइव की इस माइनस थर्टी फाइव की मल्टीप्लाई करनी है अगेन इन तीनों से वन बाय वन मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा फिर साइन चेंज होंगे साइन चेंज के बाद आप देखेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वल भी हैं देन क्या हो जाएगा कट रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका जीरो लेकिन यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी क्या क्वेश्चन मिलेगा क्वेश कितना है एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन है आपका मैंने लिखा भी है ये आपका कोशेंट है ये जो क्वेश्चन आया है हमने आपका नोट कर लिया ये रहा क्वेश्चन हमारे पास अब हम क्या काम करेंगे कि को तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और यहां से भी हम अनदर टू जीरोज निकाल सकते हैं क्योंकि जो ये पावर है टू मैक्सिमम पावर जो क्वेश्चन की है वो कितनी है टू की पावर टू तो यहां से भी हमारे टू जीरोज और निकल जाएंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर टू होती है तो हमें याद आता है सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वही हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन में होल्ड करने की ये हमारा क्वेश्चनट है और हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वन फर्स्ट और लास्ट नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कितना आया माइनस थर्टी फाइव अब माइनस का मतलब होता है कि माइनस करके लाना है आपको और थर्टी फाइव के ऐसे फैक्टर जो माइनस हो के मिडिल टर्म के इक्वल मिडिल टर्म में क्या नंबर है टू के इक्वल आ जाए तो ये हम करते हैं सेवन फाइव से थर्टी फाइव और सेवन और फाइव को माइनस करेंगे तो टू आना चाहिए करेक्ट है तो फर्स्ट नंबर सेम होता है लास्ट नंबर सेम होता है साइन भी सेम रहते हैं हमेशा मिड में हम एक ब्रैकेट होल्ड कर लेते हैं जो फैक्टर्स हमारे आते हैं उन फैक्टर्स को हम मिड में पुट कर देते हैं जैसे हमारा फैक्टर है सेवन एंड फाइव मल्टीप्लाई करके थर्टी फाइव और माइनस करें तो टू आना चाहिए टू एक्स तो सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स हम यहाँ पुट करेंगे और माइनस होके टू एक्स आपका आ रहा है करेक्ट है देन हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एंटर करेगा ब्रैकेट में तो इन दोनों के साइन चेंज होके ये आ जाएंगे ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा देन फर्स्ट टू में हमने क्या कॉमन ले लिया एक्स और क्या बचेगा हमारा ब्रैकेट में एक्स माइनस सेवन अगेन लास्ट टू में देखिए दो दो का पेयर हम बनाते हैं इन दोनों का पेयर इन दोनों का पेयर फर्स्ट पेयर में से हमें एक्स कॉमन ले लिया ये आ गया रिमेनिंग इज एक्स माइनस सेवन सेकेंड पेयर में से हमने प्लस फाइव कॉमन लिया है और रिमेनिंग इज एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन कॉमन लिया देन आपका एक्स जो ये बचा है और प्लस फाइव उनसे भी एक बचा हुआ ब्रैकेट देन फॉर जीरो दिस इक्वल टू जीरो यहां से एक्स की वैल्यू सेवन देन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो इस ब्रैकेट को भी जीरो के इक्वल रखेंगे देन फाइव आपके पास टू अदर भी आ जाएंगे टू ऑलरेडी गिवन थे दो और नए आपके पास जीरो आ गए यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव को देख लीजिये इफ पॉलिनोमियल दिस ये एक पॉलिनोमियल हमारी इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से देन द रिमाइंडर कम्स आउट बी टू बी एक्स प्लस ए ये रिमाइंडर है हमारा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए के और ए की वैल्यू निकालने इस पूरे क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे एक फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स पी एक्स पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने लिख ली जी एक्स जिससे आपको डिवाइड करना है ये भी गिवन था इन टू क्यू एक्स ये हमें पता ही नहीं हमने क्यू एक्स लिख लिया प्लस रिमाइंडर आर एक्स तो आर एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है अब हम क्या काम करेंगे इस आर एक्स की वैल्यू को यहाँ से पूरा शिफ्ट करके इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा ये ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे ब्रैकेट को ही पूरा शिफ्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि पूरे ब्रैकेट का साइन चेंज करेंगे इस ब्रैकेट का साइन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव तो यहाँ ये आएगी कंडीशन ये पॉलिनोमियल सेम रहेगी और कंडीशन ये इक्वल टू ये नंबर ये है ऑलरेडी आपका इनटू क्यू एक्स क्यू एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है नो no, सॉरी इसमें के और ए का वैल्यू हमें निकालना है तो क्यू एक्स अभी ऐसे ही रहेगा नेक्स्ट स्टेप फिर हम इस ब्रैकेट को जो आपका रिमाइंडर का ब्रैकेट आपने शिफ्ट किया है इधर ये जो ब्रैकेट शिफ्ट किया है इसको ओपन किया तो ये आपकी ये कंडीशन आएगी पूरी पहले पॉलिनोमियल देन ब्रैकेट ओपन करके ये अब क्या है कि इसमें कुछ सॉल्व हो सकते हैं जैसे ये माइनस का एक्स है और x का टर्म एक ये भी है माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स तो सॉल्व करके क्या आएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स और बाकी सेम रहेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर देन उससे छोटी पावर देन देश देन देश और आपका ये आ जाएगा इसके बाद क्या करेंगे हम ये जो हमारा मल्टीप्लाई का नंबर है ये देखिए ये मल्टीप्लाई देश तो ये जो मल्टीप्लाई का नंबर है ये कहाँ जाएगा ये सिर्फ होके कहा जाएगा इस पॉलिनोमियल के डिवाइड में तो क्यू एक्स की जो वैल्यू निकलेगी जो ये वैल्यू आई है हमारी इधर पॉलिनोमियल उसके डिवाइड में ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा तो ब्रैकेट डिवाइड में आ गया तो अब डिवाइड करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड देख लेते हैं कैसे करेंगे थोड़ा सा अलग डिवाइड है ध्यान से देखिएगा ये कुछ के और ए की वैल्यू आ गई है इसमें डिवाइड थोड़ा सा अलग है तो फर्स्ट नंबर क्या है एक्स पावर फोर यहाँ पे हमने एक्स पावर फोर लिख लिया डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर देन आंसर हमारा एक्स स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर यहाँ रखा देन इन तीनों नंबर से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ये कंडीशन आएगी देन साइन चेंज ये कैंसिल हो जाएगा ये आपका बचेगा माइनस का फोर एक्स पावर थ्री अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों में वेरिएबल है एक्स स्क्वायर तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया देखिए सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इन दोनों में से क्या कॉमन आया है एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन माइनस के तो वो आपने यहाँ लिख दिया सिक्सटीन माइनस के ब्रैकेट में और साथ में के स्क्वायर बाकी सारे नंबर सेम रहेंगे फिर हमारा सेकेंड स्टेप में क्या होगा माइनस फोर एक्स पावर थ्री को डिवाइड करेंगे किससे एक्स स्क्वायर से तो आएगा आपका माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स तो माइनस फोर एक्स जो आपका आएगा उसको आप लिखेंगे एज अ कोशेंट कोशेंट बना देंगे यहाँ पे ये यह बना दिया माइनस फोर एक्स देखिये ये आया इन दोनों को सॉल्व करके ये ये फर्स्ट नंबर ये था यहाँ फर्स्ट नंबर ये डिवाइड किया माइनस फोर एक्स इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर से वन बाय वन तो आपकी कंडीशन आएगी ये साइन चेंज करेंगे फर्स्ट नंबर कैंसिल होगा अगेन इन दोनों को देखिए जरा इन दोनों में वेरिएबल है एक्स और एक्स की पावर टू कॉमन सेम है दोनों में तो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया है सिक्सटीन माइनस के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन क्या आया इन दोनों में से एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बचाइए और इस पूरे ब्रैकेट को भी यदि हम सॉल्व कर दें तो आपका आएगा ये पार्ट एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एट माइनस के वो हमने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव देन रिमेनिंग रिमेनिंग इसको भी देखिए जरा ध्यान से ये भी इन दोनों में भी पावर सेम है एक्स एक्स यूज हो रहा है तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों को भी हम सॉल्व करेंगे ये जो हमारा है इनमें भी वेरिएबल एक्स है तो इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व किया है कॉमन क्या लिया है माइनस एक्स ब्रैकेट में क्या बचेगा ट्वेंटी सिक्स माइनस फोर के वो हमने यहाँ लिख लिया ये और ये दोनों नंबर यहाँ सेम आएंगे अब फिर हम इसको डिवाइड करेंगे इसको फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर क्या है ब्रैकेट एट माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिया हुआ भी है आ, ये आपका है ये रेप ये आया यहाँ हमने लिया मा ब्रैकेट एट माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आपका आया ब्रैकेट का आ, ब्रैकेट एट माइनस के अब इस एट माइनस के को क्वेश्चन में यूज़ करेंगे जैसे हम डिवाइड में करते हैं यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है देखिए ये और इसी नंबर को वन बाई वन इनसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कंडीशन आएगी देखिए जरा ये कंडीशन फिर उसके बाद जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल जो रिमेनिंग रिमेनिंग बचेगा उसको हमने एज इट इज़ क्योंकि ये और ये दोनों हमारे एक्स की ही टर्म है तो हमने इन दोनों को यहाँ लिख लिया देखिए ध्यान से जरा और बाकी ये जो नंबर्स हैं ये उन सबको हमने यहाँ लिख लिया विद देयर साइन अब ये आपका रिमाइंडर है सारा अब इस रिमाइंडर को थोड़ा सॉर्ट करते हैं सॉल्व करते हैं ताकि हमें यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है के और ए की वैल्यूज हमारे पास आ जाए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फिर हमने क्या किया इसको जो हमारे पास रिमाइंडर आया है रिमाइंडर जो हमारे पास निकल के आया है रिमाइंडर की वैल्यू को हमने यहाँ लिखा है कॉमन एक्स लिया है जो यहां से कॉमन आ रहा है इनमें से एक्स तो रिमेनिंग वन यहाँ आ गया जो बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर का ध्यान रखना ये माइनस जो है ना ब्रैकेट के बाहर ये माइनस भी ब्रैकेट में एंटर होगा तभी ये चेंज आया है ब्रैकेट में माइनस एंटर होगा तो माइनस का ट्वेंटी सिक्स और प्लस का फोर के यहाँ पॉजिटिव है तो कोई चेंज होगा ही नहीं ये सेम रहेगा फिर इन सबको सॉल्व करके हमारा आया माइनस टेन प्लस टू के और बाहर क्या रहेगा आपका एक्स जो आपने कॉमन लिया है और ये जो नंबर है आपका ये फिगर ये सेम यहाँ पे आपके ब्रैकेट में आ जाएगी नेक्स्ट हम ये हमारा एज ए रिमाइंडर आ गया जो कि हमारा रिमाइंडर आना नहीं चाहिए था क्योंकि हम रिमाइंडर तो ऑलरेडी पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं तो दोबारा से रिमाइंडर क्यों आया तो रिमाइंडर नहीं आना था तो रिमाइंडर क्या आना था जीरो तो हम इन वैल्यूज को ये जो वैल्यूज निकली है ना ये वैल्यूज इनको किसके इक्वल कर देंगे जीरो के इक्वल देखिए कैसे करेंगे जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया है वो है आपका ये रहा रिमाइंडर अब वन बाय वन इसको भी इक्वल टू जीरो करेंगे और इसको भी इक्वल टू जीरो करेंगे क्यों करेंगे मैं बता रहा हूं फिर से रिमाइंडर हमने पहले ही शिफ्ट कर दिया था राइट से लेफ्ट की तरफ ध्यान है आपको एक्स माइनस ए जो आपने शिफ्ट किया था एक्स प्लस ए पहले ही शिफ्ट किया हुआ है मैं दिखा देता हूं कहा शिफ्ट किया हुआ है देखिए जरा ये रहा ये रहा ध्यान से देखिए ये देखिए कि आपने यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है x प्लस ए आपका रिमाइंडर इधर शिफ्ट हो गया तो जब रिमाइंडर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है तो अब दोबारा रिमाइंडर क्यों आएगा इसीलिए रिमाइंडर को इक्वल टू जीरो हम कर देंगे तो रिमाइंडर जो वैल्यू आई है उसे हम इक्वल टू जीरो रख रहे हैं यहां पे दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो कर दिया देन ये एक्स जो है जीरो के डिवाइड में आएगा यहाँ एक्स तो वो जीरो ही हो जाएगा देन माइनस टेन इधर आके पॉजिटिव टेन देन टू के इक्वल टू पॉजिटिव टेन देन टू डिवाइड में आएगा देन कैल के वैल्यू इज़ फाइव और यहाँ पे इसको भी हम इक्वल टू जीरो लेकिन जो के की वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट करते जाइए माइनस एट इंटू फाइव के का स्क्वायर यानी फाइव का स्क्वायर प्लस टेन माइनस ए सॉल्व करेंगे ये कंडीशन आएगी देन दिस आएगी और जो माइनस फाइव है उसको हम शिफ्ट कर देंगे इधर पॉजिटिव फाइव हो जाएगा अब क्योंकि ए का साइन क्या है आपके पास ए का जो साइन है वो नेगेटिव है ये रहा नेगेटिव इस साइन को भी यहाँ से हटाना होगा इधर शिफ्ट करना होगा वहाँ पॉजिटिव ऑलरेडी है तो प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी माइनस फाइव तो दो वैल्यूज आपको निकालनी थी के और ए दोनों वैल्यू आ चुकी हैं ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ तक फिनिश हो गया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू एवरी थैंक यू